नमस्ते दोस्तों, ग्राफिक्स ज्ञान में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। तो आज फोटोशॉप का एक नया ट्यूटोरियल लेके आपका पास हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं जो देखने जा रही हूँ वो है एक स्मोक बैकग्राउंड इफेक्ट। तो देखिए, ये वाला इमेज मैं ओपन करके रखी हूँ। देखिए, ये वाला इमेज मैं फोटोशॉप में क्रिएट किया। तो इस स्मोक बैकग्राउंड इफेक्ट कैसे करके मैं फोटोशॉप में क्रिएट किया वो मैं देखने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं मेरा ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले फाइल पे जाऊंगी। फाइल से मैं न्यू बटन में क्लिक किया तो न्यू बटन का एक बॉक्स ओपन हुआ है। देखिए, विथ 1280 पिक्सल एंड हाइट 720 पिक्सल एंड रिजोल्यूशन 72 पिक्सल पर इंच रख के मैं ओके बटन में क्लिक किया। तो देखिए, एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम ये वाला डॉक्यूमेंट का ऊपर ब्लैक कलर देके फिल करूंगी। तो देखिए, इधर दो कलर बॉक्स है। तो फर्स्ट बॉक्स है फोरग्राउंड कलर बॉक्स एंड सेकंड वाला बॉक्स है बैकग्राउंड कलर बॉक्स। तो फोरग्राउंड कलर बॉक्स में क्लिक किया तो देखिए एक बॉक्स ओपन हुआ है कलर बॉक्स। तो ब्लैक कलर सिलेक्ट करके मैं ओके बटन में क्लिक किया। तो इसके बाद मेरा कीबोर्ड का ऑल्ट प्लस बैकस्पेस की मैं प्रेस किया तो देखिए इधर कलर हो गया। तो इसके बाद इधर स्मोक ब्रश देके मैं फिल करूंगी तो देखिए, तो इधर मैं हमको एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट करने होगा। तो जस्ट ये वाला आइकॉन को मैं क्लिक किया, देखिए ब्लैंक न्यू लेयर क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए, फोरग्राउंड कलर व्हाइट कलर सिलेक्ट करके मैं ओके बटन में क्लिक किया। इसके बाद देखिए, मैं ब्रश टूल सिलेक्ट किया तो ब्रश टूल का एक बॉक्स ओपन हुआ है। देखिए इधर मैं स्मोक ब्रश है, देखिए ये वाला ब्रश मैं डाउनलोड करके रखी हूँ। ये वाला ब्रश का डाउनलोड लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया। तो इसके बाद देखिए, ये वाला ब्रश स्मोक ब्रश मैं सिलेक्ट किया तो देखिए सिलेक्ट करके देखिए जस्ट माउस को लेके हम देखिए ब्रश साइज को थोड़ा सा बढ़ा के जस्ट देखिए इधर क्लिक किया तो देखिए इधर स्मोक ब्रश इफेक्ट आ गया। तो इसके बाद देखिए, मूव टूल सिलेक्ट करके ये वाला ब्रश को थोड़ा सा देखिए बढ़ा के देखिए बैकग्राउंड का ऊपर एडजस्ट किया। तो इसके बाद देखिए, ए वाला लेयर सिलेक्ट करके देखिए फिर से मैं ब्रश टूल सिलेक्ट किया, देखिए ब्रश टूल का एक बॉक्स ओपन हुआ है। देखिए ए वाला ब्रश सिलेक्ट किया तो ए वाला ब्रश सिलेक्ट करके देखिए ब्रश साइज के थोड़ा सा बढ़ा के देखिए हम थोड़ा सा बढ़ा के देखिए जस्ट इधर बैकग्राउंड का ऊपर लेके मैं जस्ट क्लिक किया तो देखिए इधर ब्रश आ गया। तो इसके बाद देखिए, मैं ए वाला ब्रश सिलेक्ट किया तो ए वाला ब्रश सिलेक्ट करके देखिए जस्ट बैकग्राउंड का ऊपर एडजस्ट करके देखिए इधर माउस को लेके बैकग्राउंड का ऊपर एडजस्ट करके देखिए हम जस्ट इधर क्लिक किया तो देखिए इधर ब्रश इफेक्ट आ गया। तो इसके बाद देखिए, हम एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट करना होगा। जस्ट ए वाला आइकॉन को मैं क्लिक किया, ब्लैंक न्यू लेयर आ गया। तो इसके बाद देखिए, मैं ब्रश टूल सिलेक्ट करके देखिए हम देखिए ए वाला ब्रश को मैं सिलेक्ट किया स्मोक ब्रश। जस्ट देखिए माउस को ब्रश साइज को थोड़ा सा कम आके देखिए जस्ट इधर माउस को लेके जस्ट क्लिक किया देखिए इधर ब्रश आ गया। तो देखिए ब्रश इफेक्ट आ गया। इसके बाद हमको कलर देके फिल करने होगा। तो देखिए, दो जो लेयर है जस्ट लेयर के मार्च करने होगा। तो कंट्रोल प्रेस करके दो लेयर को सिलेक्ट करके मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो देखिए इधर दोनों लेयर मार्च हो गया। तो इसके बाद कलर हमको देने होगा तो इसीलिए हमको एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट करने होगा। तो जस्ट ए वाला आइकॉन को मैं क्लिक किया तो एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट हो गया। जस्ट ए वाला टॉप लेयर को सिलेक्ट करके देखिए हम देखिए ग्रेडियंट कलर हमको सिलेक्ट करने होगा। जस्ट ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट किया, देखिए ग्रेडियंट टूल का बॉक्स ओपन हुआ है। इधर देखिए बहुत सारा कलर है तो हम देखिए ए वाला कलर सिलेक्ट किया तो ए वाला कलर सिलेक्ट करके देखिए लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट है। मोड नॉर्मल ओपेसिटी 100% रख के जस्ट माउस को लेकर देखिए इधर ड्रैग किया तो इधर देखिए कलर हो गया। तो इसके बाद ए वाला टॉप लेयर को सिलेक्ट करके देखिए ए वाला ब्लेंड मोड, देखिए नॉर्मल है, ब्लेंड मोड को मैं कलर कर दिया। तो कलर करने के बाद देखिए इधर कलर आ गया। तो इसके बाद हम कलर चेंज करने के लिए देखिए इधर कलर है, कलर चेंज करने के लिए देखिए मैं इमेज पर जाऊंगी। इमेज से मैं एडजस्टमेंट से ह्यू एंड सैचुरेशन बॉक्स ओपन हुआ है। देखिए ह्यू चेंज करने के बाद देखिए इधर कलर भी चेंज हो गया, कलर चेंज शुरू हुआ। तो देखिए जस्ट ओके किया तो देखिए इधर एक बहुत बढ़िया एक बैकग्राउंड स्मोक इफेक्ट बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। तो इसके बाद ये वाला इमेज को मैं सेव करूंगी तो सेव करने के लिए मैं फाइल पे जाऊंगी। फाइल से मैं सेव बटन में क्लिक किया, डेस्कटॉप में मैं सेव करूंगी। फॉर्मेट जेपीजी ऑप्शन रख के हमको एक नाम देने होगा।
तो देखिए तो नाम देके मैं सेव किया, तो देखिए जेपीजी ऑप्शन का एक बॉक्स ओपन हुआ है। मैं ओके बटन में क्लिक किया, देखिए मेरे डेस्कटॉप में ये वाला इमेज सेव हो गया। तो डेस्कटॉप में ओपन किया, देखिए एक स्मोक बैकग्राउंड इफेक्ट जो मैं फोटोशॉप में क्रिएट किया। तो दोस्तों आज यही था मेरा ट्यूटोरियल। तो आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड कॉमेंट कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर भी मुलाकात होगी, तब तक लिए गुड बाय, नमस्ते।